हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धेश ठाकरे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा कुत्ता है ब्लैकी, इसके बारे में थोड़ा आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो कुत्ता पालना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर कुत्ता पालना इतना भी आसान नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, ये मेरे घर के सोफे पे सोया हुआ है, क्योंकि ये कहीं और सोता ही नहीं है, ये तो सोफे पे ही सोता है। और कुत्ता पालना यानी हाथी पालने जैसा है, क्योंकि इनका खर्चा हज़ारों में होता है। इनके इंजेक्शन और मेडिसिन का भी खर्चा करना पड़ता है, इनके खाने पीने का खर्चा करना पड़ता है। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है लोगों को कि अगर पालना है तो लोकल ब्रीड ही पालिए, फॉरेन ब्रीड मत पालिए, क्योंकि वो तो बहुत कॉस्टली आती है और उनका खर्चा भी बहुत होता है। पर लोकल ब्रीड भी अगर आप उनको प्रॉपर पहले से ट्रेन करते हो, आप अगर उनको इस टाइप से ट्रेन करते हो कि वो घर के बाहर में या कॉरिडोर में रह सके, तो वो बहुत बेटर होता है। क्योंकि हमारा कुत्ता पहले से हमने जो पाला था, इसको हमने पहले तो कॉरिडोर में रखा था, पर फिर बाद में हमने उसको घर के अंदर लाया, तो घर के अंदर लाने के बाद उसको बाहर निकालना वो पॉसिबल नहीं हुआ और वो ज़्यादा ही पैम्पर्ड हो गया, इसके कारण उसको घर के अंदर ही रखना पड़ा। तो कुत्ता पालना बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है। कुत्ता पालने के पहले आप 10 बार सोचिए। मैं तो इनिशियली कुत्ता पालने के अगेंस्ट था, पर छोटे बच्चों के खातिर और बाकी घर वालों के खातिर मैंने डिसाइड किया कि कुत्ता पालते हैं। पर कुत्ता पालना यानी खुद को बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट कर लोगे, क्योंकि कुत्ता आपको दिन में 2 बार आपको उसको घुमाने लेके जाना पड़ेगा। आप घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप घर छोड़ के जाओगे तो कुत्ता कुछ ना कुछ घर की चीज़ें ख़राब करके रख देगा। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए कुत्ता तो आपका बहुत सुख में रहेगा घर में, क्योंकि उसको ना बारिश का प्रॉब्लम है, ना खाने का प्रॉब्लम है, ना दूसरे कुत्तों से कुछ झगड़ा होने का प्रॉब्लम है। पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आपको एक ही उसमें सेटिस्फेक्शन है कि आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, पर आपको क्लीनलीनेस, हाइजीन ये बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक डॉग आप लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, विचार करके ही आपको पेट पालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको फिर उसको आप परेशान हो जाओगे और आप सोचोगे कि इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो इसीलिए मेरी एक राय है कि अगर आपको कोई भी डॉग पालना है तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार करके ही डिसीजन लेना पड़ेगा। थैंक यू।